फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसे हाईवे की स्टोरी जहाँ दिनेश को लगातार 3 दिनों से सोने के सिक्के मिल रहे थे। और जैसे ही वो उन सिक्कों को कंटिन्यू उठाता है, उसे बदले में मौत मिलती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दिनेश एक ओला ड्राइवर होता है। वो पर डे अपनी गाड़ी चलाया करता था। और रुपेश जो होता है वो उसका फ्रेंड है। वो कहता है कि यार मुझे भी ओला चलाना सिखा दे, क्योंकि मुझे सीखना है, मैं भी अपने घर में पैसे कमा करके देना चाहता हूँ। तो दिनेश कहता है कि ठीक है, मैं तुझे सिखा दूँगा। वो उसे कहता है कि तुम रात के समय में आ जाना। दिनेश उसे ओला चलाना सिखाने लगता है। वो पर डे उसके साथ ही होता था रात के समय में। एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग जब अपने यात्रियों को छोड़ करके आ रहे थे, तो वहाँ उन्हें कुछ सोने के सिक्के बिखरे हुए नज़र आ जाते हैं, जो बहुत ही लाइट में बहुत ज़्यादा लाइट कर रहे थे। ये दोनों वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और उन सिक्कों को उठाने लगते हैं। वो उन सिक्कों को उठाते उठाते थोड़ी दूर तक चले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी दूर तक बिखरे पड़े थे। ये दोनों सोचते हैं पता नहीं ये सिक्के कहाँ से आए, लेकिन वो कहते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, मिल तो गए। सेकेंड डे भी जब ये छोड़ करके आते हैं, तो सेम उसी हाईवे पर उन्हें वो सिक्के मिल जाते हैं। उठाते उठाते बहुत दूर तक निकल जाते हैं और वो एक घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। जब ये घर के घुस जाते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि हम लोग इस घर के अंदर तक कैसे आ गए। और वो उठ करके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे एक औरत पहले से ही खड़ी थी, वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं कि आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया, अगर आपको ये पैसे चाहिए तो आप ये पैसे ले लो, ये आपके हैं तो हमें नहीं चाहिए। वो कहती है कि नहीं, ये पैसे तुम रख लो और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर बहुत ही बड़ा सा था और वो एक बंगले के समान घर था। उस घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक औरत थी और उस घर में चारों ओर लोगों के तस्वीरें लगी हुई थी जो मर चुके थे। वो दोनों इस चीज़ को देख रहे थे कि इस घर में इतनी सारी तस्वीरें क्यों लगी हुई है। फिर वो सोचते कि हो सकता है किसी एक्सीडेंट में मारे गए होंगे। वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। वो कहती हैं कि चाय पानी नहीं लोगे, तो वो लोग कहते हैं नहीं, हमें अब यहाँ से जाना है। वो कहती हैं कि ये सिक्के हमारे ही हैं, मैं ये तुम्हें ही देना चाह रही थी क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि आप मुझे डायरेक्ट भी तो दे सकती थी। वो कहती है नहीं, और आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ जो मुझे इतनी संपत्ति और दौलत दिए हैं, अगर तुम भी चाहो तो ये संपत्ति तुम्हारी हो सकती है। वो दोनों शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या? वो कहती कि हाँ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा। उन दोनों को ले जा करके एक कमरे में दरवाजा खोलती है। जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है, उस दरवाजे के अंदर एक भयानक सी मूर्ति रखी हुई थी और उस मूर्ति की आँखें इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि वो दोनों देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। और उस घर में एक अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी, वो बहुत ही भयानक दुर्गंध थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है? वो कहती हैं कि यही है वो जिन्होंने मुझे ये सब संपत्ति और धन दौलत दिए हैं, और ये संपत्ति अब तुम्हारी हो जाएगी क्योंकि ये चाहते हैं कि ये संपत्ति तुम्हारी हो, इन्होंने ही मुझे कहा है तुम्हें देने के लिए। तो वो दोनों कहते हैं कि ये ऐसा क्यों कहेंगे? वो कहती है कि हाँ, ये संपत्ति अब तुम्हारी होगी और तुम्हें 2 मिनट इस रूम में रहना होगा। तो रुपेश कहता है कि नहीं यार, हम यहाँ नहीं रुक सकते, अगर इन्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था उस मूर्ति को देख करके और उस घर के उस रूम का हाल देख करके उन्हें एक अजीब सी डर महसूस हो रही थी। लेकिन दिनेश कहता है ठीक है यार, तू 2 मिनट के लिए रुक, मैं यहीं पर बैठता हूँ। वो उसे कन्विंस कर लेती है। रुपेश जैसे ही अंदर जाता है, वो दरवाज़ा लॉक कर देती है और दिनेश उसके साथ बाहर ही बैठा हुआ रहता है कि तभी रुपेश की बहुत भयानक तरीके से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और दिनेश इधर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है वो क्यों चीख रहा है? तो वो कहती है कि उन्होंने अपनी भूख मिटा ली, तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है और अब अगली बारी तुम्हारी है। ये जो तुम तस्वीरें जो देख रहे हो, ये मेरे पूरी फैमिली की तस्वीरें हैं। जब से मैं इस मूर्ति को अपने घर पर लाई, मेरे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे इन्हें एक बलि देना होता था और मैंने अपने घर के सारे लोगों की बलि दे दी। अब मुझे अगर ज़िंदा रहना है तो मुझे बाहरी लोगों की भी हर साल इन्हें एक देनी होती है, जिसे खा करके वो अपनी भूख मिटाते हैं। उसे इंसानों की बलि चाहिए होती है, वो इंसान को खाते हैं, वो एक दानव है जिसकी मैं पूजा करती हूँ और उसके बदले में मैं
बहुत ही खूबसूरत बनी हुई रहती हूँ और मुझे धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। ये सुनकर के दिनेश बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कांपने लगता है, कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो। वो कहती है कि हाँ, अगर तुम भी इसकी पूजा करोगे तो तुम्हें भी बहुत सारे धन संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन बदले में तुम्हें एक इंसान को इसे देना होगा जिसे ये खा करके अपनी भूख मिटा ये इंसान को खाते हैं। ये सुन करके वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो तस्वीरें उसके घर में देखता है वो इतनी बुरी तरीके से डर जाता है कि वो वहाँ से भागना चाहता है। लेकिन वो और दिनेश को एक कमरे में बंद कर देती है, कहती है कि नेक्स्ट बारी तुम्हारी है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि तुमने इस घर की सारी बातों को जान लिया है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकलने दूंगी। और वो उसे वहाँ पर लॉक कर देती है। जैसे ही रात होती है दिनेश को वहाँ से एक अजीब भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ एक जानवर की थी, वो अजीब तरीके से चिंघाड़ता था और उस घर में अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो किसी भी तरीके से वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन वहाँ से वो भागता कैसे, वो उस घर में लॉक हो चुका था। वो 3 दिनों तक उस घर में भूखा प्यासा पड़ा रहता है और 3रा दिन जैसे ही सुबह होती है वो देखता है खिड़की से झाँक करके कि वो कहीं पर निकल के जा रही है। वो सीधा उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, हाथ लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। वो उसे लगातार तोड़ता जा रहा था, मारता जा रहा था और उस खिड़की को तोड़ करके वहाँ से वो किसी तरीके से निकलता है और भागता जाता है। दौड़ते दौड़ते वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो डर से इतना ज़्यादा काँप रहा था कि भागते भागते बहुत दूर तक निकल जाता है और वो एक चाय की दुकान के पास आ करके गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर जो लोग थे उसे उठाते हैं, उसे होश में लाते हैं और जब वो सारी कहानी जानते हैं तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग ही उसे उसके घर तक छोड़ते हैं। घर पे जाने के बाद वो उन सारे सिक्कों को सीधा फेंक देता है, कहता है मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कमा सकता हूँ। और वो बहुत बुरी की तरीके से 2-4 दिन तक अपने घर में बेड पे ही पड़ा रहता है। उसके बाद वो ओला चलाना चालू करता है और उस रास्ते में जब भी वो जाता था तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था, वो अकेला उस रास्ते से नहीं जाता, अब वो उस रास्ते को छोड़ चुका था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।